सुभाष घई की 1983 में रिलीज हुई हीरो इतनी महान फिल्म है कि इसका रीमेक बनाया जाए। एक आम कहानी पर आधारित फिल्म तब मधुर संगीत और मनोरंजक प्रस्तुतिकरण के कारण सफल हो गई थी। पिछले 32 वर्षों के दौरान इस तरह की कहानी पर इतनी सारी फिल्में बनी हैं कि सलमान की हीरो थकी हुई लगती है। कुल मिलाकर हीरो का रीमेक बनाना ही गलत निर्णय है। सूरज एक गुंडा है, वह पाशा के लिए काम करता है। पाशा का आईजी से विवाद चल रहा है। आईजी को सबक सिखाने के लिए पाशा सूरज को आईजी की बेटी राधा के अपहरण का जिम्मा सौंपता है। राधा के सामने पुलिस वाला बनकर सूरज जाता है। वह राधा से कहता है कि उसकी जान को खतरा है और आईजी के निर्देश पर उसे दूसरे शहर ले जाना पड़ेगा। सूरज और उसके साथियों के साथ राधा कुछ दिन गुजारती है। राधा और सूरज नजदीक आ जाते हैं और यहीं से शुरू होता है दोनों पर मुसीबतों का सिलसिला। स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह लिखा गया है कि फिल्म सूरज और अथिया का शोकेस बनकर रह गई है। फिल्म में डिटेल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रश्न फिल्म देखते समय लगातार दिमाग में कौंधते रहते हैं। सूरज गुंडा क्यों है, इसका जवाब नहीं मिलता। आईजी की बेटी का अपहरण, सूरज राधा में प्यार, सूरज का जिम खोलना इतनी आसानी से हो जाता है कि आश्चर्य होता है। एक दृश्य का दूसरे दृश्य से तालमेल नहीं है। फिल्म के आखिर में रण विजय वाला ट्रैक निहायत ही बेहुदा है और महज फिल्म की लंबाई बढ़ाता है। मनोरंजन का तो फिल्म में नामो निशान नहीं है। कहानी में दम नहीं हो तो कुशल निर्देशक अपने प्रस्तुतिकरण के बल पर दर्शकों को बांध सकता है, लेकिन निखिल आडवाणी सिर्फ नाम के निर्देशक लगे। न उन्होंने स्क्रिप्ट की कसावट पर ध्यान दिया और न ही वे अपने प्रस्तुतिकरण में ताजगी ला सके। फिल्म देख ऐसा लगता है कि बिना निर्देशक के यह फिल्म पूरी कर दी गई हो। फिल्म के आखिर में जब सलमान खान गाना गाते नजर आते हैं तो वे पूरी फिल्म से ज्यादा राहत देते हैं। सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी में आत्मविश्वास तो नजर आता है, लेकिन अभिनय में वे कच्चे हैं। केवल बॉडी बनाना, फाइट और डांस करना ही एक्टिंग नहीं होती। अथिया शेट्टी अभिनय के नाम पर खूब चीखी चिल्लाई हैं। मैं हूँ हीरो तेरा को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर गाने ब्रेक का काम करते हैं। कुल मिलाकर यह हीरो जीरो के ज्यादा नजदीक है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ।